भाकियू कार्यकर्ताओं ने मंत्रोच्चारण के बीच अस्थियों को राम गंगा में विसर्जित कर दिया। किसानों और पत्रकारों की अस्थि कलश यात्रा के दौरान भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत गुट के शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि लखीमपुर घटना में हमारे किसानों और पत्रकारों ने अपनी शहादत दी है। किसान और पत्रकार का ये बलिदान हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। उन्होंने बेमौसम बारिश और बाढ़ आपदा का दंश झेल रहे किसानों और बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन से हर संभव मदद मुहैया कराए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बाढ़ पीड़ितों और किसानों के लिए राहत मुहैया नहीं कराई जाती तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अस्थि कलश यात्रा के दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता आदित्य प्रताप सिंह लोधी, जलालाबाद और कलान के तहसील अध्यक्ष उदयवीर सिंह के साथ तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो हमारे लखीमपुर में किसान और पत्रकार शहीद हुआ था उसकी पूरे जिले में हम लोगों ने 19 तारीख से कलश यात्रा निकालना चालू किया था और पूरे जिले के बाद आज हम लोग जहाँ पूरे जिले में घूमते हुए कलश यात्रा को लेके आए हैं जहाँ रामगंगा पर आकर जल प्रवाह किया और यही हमारा आज का प्रोग्राम था। और जब यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और जिलों को सरकार ने पैकेज दिया है और हमारे शाहजहांपुर ज़िला छूट गया है और शाहजहांपुर ज़िले के लिए कुछ नहीं दिया। पूरा इलाका जल से भरा हुआ है और गांव के गांव डूब चुके हैं और लोग सड़कों पर बैठे हैं, 450 गाँव। और जहां पर ज़िले के प्रशासन ने कोई भी उनके लिए ना कोई पन्नी दी है रात को छत बनाने के लिए, ना कोई रोटी का इंतजाम है, किसी तरीके का नहीं है। और हम आज जिला प्रशासन से यही बेनती करते हैं कि इन किसान जो 400 गांव डूब चुके हैं इनका तुरंत इंतजाम किया जाए, नहीं तो भारतीय किसान जो आज से ही धरने पर बैठेगी। लगातार एक साल होने जा रहा है धरना चलते हुए, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे? देखो जी, हमारा काम है आंदोलन करना। हम लोग सरकार तक उसको आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि जे आपने जो कानून बनाए हैं ये गलत हैं और उनको निर्णय निकालना सरकार का काम है। और इसी उम्मीद से हम लोग बैठे हैं कि हमारी सरकार किसी दिन बात को सुनेगी और हमारा धरना जारी रहेगा। लगातार बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, यदि जिला प्रशासन उचित मुआवजा नहीं देता है तो किसान यूनियन क्या करेगा? किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करेगा और कल से ही